बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, ये अभी आप पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एनिमेटेड पिक्चर है एक। इसको जेएस की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से एक छोटी सी एनिमेशन बनाएंगे। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा और ये कोडिंग कैसे होगी, इसका बहुत छोटा सा शॉर्ट कोड है एक, मगर देखने में एक ये दिलचस्प चीज़ है। तो ये देखें, ये और स्टॉप यानी स्टार्ट और ये स्टॉप। तो इसका जो कोड है वो आज देखते हैं कि कैसे आप कोड करेंगे। इस पिक्चर की जगह आप कोई पिक्चर और भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी पसंद की एनिमेशन बना सकते हैं। इसका जो कोड है बहुत ही आसान है और सिर्फ चंद लाइनों पे मुश्तमिल है। ये देखें, मैं आपको इसका कोड समझाता हूँ कि ये HTML में लिखा हुआ है। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि डॉक टाइप HTML हेड के अंदर ये जो इंटरनल CSS स्टाइल हमने किया है पिक्चर को सेंटर अलाइन करने के लिए, पिक्चर को सेंटर अलाइन करने के लिए। उसके बाद जो लोग HTML से थोड़े से भी वाकिफ़ हैं उनको मालूम है कि ये H1 हेडिंग दे दी, ये इमेज हमने डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पर, ये हमने ID डिफ़ाइन की है जावास्क्रिप्ट में कॉल करने के लिए। ID का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे हमने अपनी पसंद का नाम दे दिया, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये हमने इमेज का जो साइज़ है वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है और इसको हमने सेंटर अलाइन किया है, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के ये जो दो फंक्शन हमने कॉल किए हैं, HTML को कॉल किया जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये इमेज कॉल की है, इसका हमने पहले बटन जो बटन है उस पर हमने स्टार्ट फायरिंग और जो दूसरा बटन है उस पर स्टॉप फायरिंग, और उसके बाद बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। ये बहुत मतलब छोटा सा एक आसान सा कोड है, इसको समझने में इतनी मुश्किल नहीं है। कोड का जो लिंक है इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और अपने पसंद की पिक्चर ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर इसमें ऐड करने का तरीका यह है कि ये सोर्स फाइल है, ये देखें, इसका मैंने नाम रखा है gf-1.gif। आपने जहाँ पे HTML का ये जो नोट पैड का जो फाइल है HTML की, ये जहाँ पे आपने जिस फोल्डर में सेव की है उसी फोल्डर में आपने जिस फोल्डर में आपने सेव किया आपने उसी फोल्डर में पिक्चर को सेव कर देना है अपनी आसानी के लिए। और एक जो पिक्चर है ये देखें, ये एक GIF है, ठीक है, और इसी को दूसरा हमने PNG सेव किया है, ठीक है। उसके बाद इसी पिक्चर को पहले हमने स्टार्ट फायरिंग के अंदर GIF कॉल किया है और स्टॉप फायरिंग के अंदर PNG इसका हमने कॉल कर लिया है, ठीक है। तो जिस वक्त हम इसको रन करेंगे, स्टार्ट फायरिंग, स्टॉप फायरिंग, स्टार्ट फायरिंग, स्टॉप फायरिंग। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट वीडियो है, एक शॉर्ट सा हैक है GS का, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।